गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग ग्राफिकल एनालिसिस एंड बिफोर दैट वी हैव डिराइव्ड द सेम इक्वेशंस यूजिंग एनालिटिकल ट्रीटमेंट एंड नाउ इट्स द टर्न फॉर the derivation of the same equations using calculus method. Calculus, when I am saying, okay, calculus ka matlab kya hai? That is integration and differentiation. Now you must be thinking, ki ye kya cheez hai bhai? What is this? आपके लिए बिल्कुल नया है. बेसिकली है क्या, मैथमेटिक्स में ये दो टेक्निक्स हैं, एक डिफरेंशिएशन है और दूसरा इंटीग्रेशन है. ओके, तो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड वी विल बी डिस्कसिंग ओनली दोज थिंग्स रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन जो हमें फिजिक्स में यूज करना है. अदरवाइज यू विल बी स्टडिंग डिफरेंशिएशन इन डिटेल इन मैथमेटिक्स. ओके, तो वी विल बी गोइंग एज पर अवर रिक्वायरमेंट. नाउ वेरी फर्स्ट थिंग इज डिफरेंशिएशन होता क्या है और हम इसको यूज क्यों करते हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ी इसकी. देखो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं. ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सेस. ओके, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस. ओके, नाउ दिस इज द थिंग. एट सर्टन टाइम दिस इज वाई वन, वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज एक्स वन. मैंने क्या किया, मैंने वाई चेंज कर दिया. मान लिया वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने वाई को चेंज किया. वाई को चेंज करने से एक्स किस तरह से चेंज हुआ, मान लिया यहां सम टाइम सम अदर टाइम वाई टू यहां आ गया और अपना एक्स टू यहां शिफ्ट होके इधर आ गया. एक्स वन टू एक्स टू जब ये आया, ये इधर शिफ्टिंग हुई, कितनी हुई? ओके, कितनी हुई जब हम y1 को यहां y2 ले गए. तो हाउ दिस y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद x कोऑर्डिनेट और x इज चेंजिंग विद y. ओके, तो टू स्टडी दिस चेंज, रिस्पेक्टिव चेंज, ओके, हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. बहुत सिंपल फंडा है. ओके, ठीक. लेट अगर इसको लिखना है, मैं लिखना चाहता हूं हाउ वाई इज चेंजिंग विद एक्स, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं. देखो सिंपल मैथमेटिक्स में जब हम लिखते हैं, ओके, वी राइट इट चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स. डिफरेंस नोटेशन में लिखते हैं ना, डिफरेंस नोटेशन डेल्टा. लेकिन अगर इसको हम डिफरेंशियल नोटेशन में लिखे तो हम इसको डेल्टा की जगह पर डी लिख देते हैं, डी बाय डी एक्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स. किसका? वाई का. रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जब ये चेंज फाइंड करना है तब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं. ठीक, तो वी विल बी, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया. ठीक, तो दिस यू विल कम टू नो जब हम कंप्लीट कर लेंगे कि हमें इसकी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट कहां है और कैसे है. ठीक, उसकी भी बात करेंगे. तो फर्स्ट यू स्टडी द बेसिक टर्मोलॉजी इन रिलेशन टू डिफरेंशिएशन. सम रिलेटेड फॉर्मूलाज जो हम यूज करेंगे बेटा इन बिटवीन, तो वो हैं, जैसे हमें सपोज करो कह दिया गया, ओके, कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. किसको? एक कॉन्स्टेंट को.
जब हमने पहले ही कह दिया कि कांस्टेंट है तो उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा क्या? आंसर इज नो. तो चेंज कितना कांस्टेंट का? जीरो. तो ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल. ओके ठीक है. डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग, ये जो एनीथिंग है ये कांस्टेंट है. डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, ओके, तो वो हमेशा जीरो होगा. ओके नेक्स्ट थिंग, सपोज आपको टास्क दिया जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका? एक्स टू द पावर एन. ओके इसके लिए क्या बनता है? दिस थिंग इज एन दैट इज पावर एक्स एन माइनस वन. ये जो पावर था एक्स और पावर वन सबट्रैक्ट. अगर आपको डी बाय डी एक्स दे दिया जाए, फाइन, सी एक्स डिफरेंशिएट, दिस सी इज अ कांस्टेंट, एक्स इज वेरिएबल, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा? अब देखो सी मल्टीपल कांस्टेंट है, मल्टीपल कांस्टेंट बाहर आ गया, उसके बाद एक्स रेज टू द पावर बेसिकली वन है यहां पे, है ना, तो क्या बनेगा? वन एक्स वन माइनस वन. ओके कितना बना? वन एक्स टू द पावर जीरो, तो ये आ गया सी. फाइन. लेट आपको टास्क दिया जाता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन. ओके और कहा जाता है डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके मतलब आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका? वाई का. ओके वैल्यू ऑफ वाई जो है वो कितना है डाल दो. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन. ठीक है. अब आप ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग अलग टर्म के ऊपर सम में अप्लाई कर दो. ओके दिस इंप्लाइज डी बाय डी एक्स, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स सिक्स एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ नाइन. ठीक है बेटा, ये डी बाय डी एक्स हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब देखो अब जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा देन इट विल बी टू एक्स टू माइनस वन. ओके प्लस सिक्स एक्स, सिक्स एक्स टू द पावर वन, तो दिस विल बी वन एक्स वन माइनस वन. ओके प्लस नाइन, नाइन इज अ कॉन्स्टेंट, इट्स नॉट, इट्स वैल्यू इज नॉट चेंजिंग. नाइन तो नाइन ही होता है ना, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो. नाउ ये कितना बना? टू एक्स प्लस एक्स टू द पावर जीरो बन गया ये, तो ये बना टू एक्स प्लस सिक्स. ओके इफ वाई इज दिस, तो वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो बनता है वो बनता है टू एक्स प्लस सिक्स. ठीक. नेक्स्ट इज वाई इज गिवन एज यू रेज टू द पावर एन. एन इज अ रियल नंबर एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. फंक्शन क्या होता है? यू अगर एक्स का फंक्शन है, इट मींस वैल्यू ऑफ यू जो है वो एक्स के हिसाब से चेंज कर रही है. जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे वैल्यू ऑफ यू विल चेंज, उसका मतलब ये है बेटा.
ओके और आपको यहां पे टास्क दिया जाता है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x मीन d बाय डी एक्स ऑफ u रेज टू द पावर n, u रेज टू द पावर n. ओके तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा n, पहले तो x टू द पावर n वाला सीधा n u n माइनस वन. ओके और फिर ये जो टर्म है फंक्शन ऑफ x है, ओके इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ, क्योंकि इसका वैल्यू x के हिसाब से चेंज कर रहा है ना, u विद रिस्पेक्ट टू x. ओके लेट्स टेक अ कॉरेस्पॉन्डिंग सिचुएशन. y इज इक्वल टू x square plus 2x raised to the power 3 by 2. Okay, now this bracket term is a function of x. Its value will be changing with x. As x will be changing, its value will be changing. ठीक है? उसका पूरे का power n. Real number. Okay, now कैसे होगा? Same, जो explain किया अभी वही apply होगा. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का, आपको कहा गया डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके नाउ डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लेसिंग वाई, डिफरेंशिएशन इस टर्म का होना है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स रेज टू द पावर थ्री बाय. ओके नाउ कैसे होगा, देखो इक्वल टू पहले u रेज टू द पावर n, पहले पावर n को सॉल्व करेंगे 3 बाय 2 फंक्शन ऑफ x रेज टू द पावर 3 बाय 2 माइनस 1. ओके नाउ ये जो फंक्शन ऑफ x है d बाय dx of function of x that is x square plus 2x, x square plus 2x. Okay, now क्या करेंगे, इसका subtraction करके solve करते हैं. D by dx, d by dx को अंदर apply कर दो, d by dx of x square plus d by dx of 2x और इसको simplify कर दो. Solving this term x square के लिए क्या बनेगा, 2x 2 minus 1, तो 2x 2 minus 1 will be 1 और this is 2x 2 x raised to the power 1, 2 as such x raised to the power 1 will be 1 x 1 minus 1, तो ये only 2. तो रिमेनिंग टर्म आपके पास ये बच गया, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स. होप दिस इज क्लियर. प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल इज व्हेन सपोज वी आर गिवन वाई इज इक्वल टू यू इनटू वी, दोनों प्रोडक्ट में है, यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स. फंक्शन ऑफ एक्स मतलब इनकी जो वैल्यू है यू और वी की, वो एक्स के हिसाब से चेंज कर रही है. अब आपको टास्क दिया जाता है डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का. नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का वैल्यू डाल दिया u v, लेकिन u और v जो दोनों है वो x के फंक्शन है. आप इस तरह इस सिचुएशन में कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट एज सच सेकंड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, पहले को एज सच लिखना है फंक्शन को और दूसरा जो है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देना है.
ठीक है, फिर उसके बाद प्लस सेकेंड एसएच वी एसएच एंड फिर उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी यू बाय डी एक्स, इस तरह से ऑपरेट करना है। क्या बोला मैंने, जब दो, ठीक है ना, फंक्शन इस तरह से, फंक्शन ऑफ एक्स दोनों प्रोडक्ट में है, फाइन, तो किस तरह से यू विल बी डिफरेंशिएटिंग वाई। तो वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए व्हाट यू विल बी डूइंग, बेसिकली फर्स्ट एज सच सेकंड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स प्लस सेकंड एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ लेट्स सॉल्व द सिचुएशन, अब ध्यान से देखना, वाई इज इक्वल टू दिस टर्म एंड दिस टर्म, ठीक। अब ये इसका वैल्यू एक्स के हिसाब से चेंज कर रहा है, तो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, और ये अदर टर्म ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, और दोनों फंक्शन ऑफ एक्स कहां पे हैं, प्रोडक्ट में है, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स प्रोडक्ट में है, ठीक। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ओके। फर्स्ट एज सच सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज सच फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, लेट्स अप्लाई डी वाई बाय डी एक्स, ओके, और क्या है ये डी बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स क्यूब प्लस थ्री टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन, ओके, ठीक है बेटा। नाउ फर्स्ट एज सच टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एज सच, ओके, एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड का टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन प्लस सेकेंड एज सच टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन एज सच, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन, ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एज सच इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं टू, ओके, मल्टीपल कांस्टेंट है, बाहर आ गया एक्स टू द पावर माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस थ्री इज एन एक्स एन माइनस वन, दैट इज माइनस थ्री x माइनस थ्री माइनस वन प्लस वन, वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वन इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन हो गया जीरो प्लस ये वाला टर्म है सच टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन, ओके। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, इस टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ओके, तो कैसे प्रोग्रेस होगा, देखो 2 मल्टीपल कांस्टेंट है ब्रैकेट से बाहर, उसके बाद x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x 3 माइनस 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, 3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट है, 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 लाइक दिस, ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज माइनस 6x, ये ब्रैकेट टर्म एज सच माइनस 6x माइनस 4, ये ब्रैकेट टर्म एज सच, और ये ठीक है 6x square, ठीक है। अभी जो नेगेटिव पावर होती है तुम्हें पता है, ये डिनोमिनेटर में चली जाती है, ठीक है। इसको आप इस तरह से सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हो 2x प्लस 3 माइनस 6 ओवर x रेज टू द पावर 4, इसी के डिनोमिनेटर में आ गया, उसके बाद प्लस, ठीक, ये 6 then this bracket term 2x minus 3, इसको denominator में लाना है तो ले आओ x cube plus 1, और ये 6 already यहाँ पे आ चुका है बेटा, और this is bracket में आ जाएगा x square, further multiply करना है you can, no problem, okay। तो like that, अब तो simple mathematics ही है, इस तरह से आप लोग differentiation कर सकते हो using product rule। Now the next thing is quotient rule. Quotient is when y is equal to u by v. U and v in the same way, जैसे पहले था r function of x.
आर फंक्शन ऑफ एक्स। ये यू वी दोनों फंक्शन ऑफ एक्स हैं और आपको टास्क दिया जाता है डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ हाउ द क्वेश्चन रूल इज बेसिकली डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डिनोमिनेटर वी एज सच, न्यूमिरेटर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिनोमिनेटर एज सच एंड न्यूमिरेटर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन उल्टा, न्यूमिरेटर एज सच, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, नीड नॉट टू वरी। ओके, यू विल बी गेटिंग ऑल दोज इंफॉर्मेशन इन मैथमेटिक्स इन डिटेल, फाइन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, जैसे अभी मैंने बताया। ओके, डिनोमिनेटर एज सच, डिफरेंसिएशन ऑफ न्यूमिरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस न्यूमिरेटर एज सच, डिफरेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वेयर। होप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज क्लियर। तो इसी तरह से आप इसको ऑपरेट भी करोगे। नाउ दिस इज द गिवन थिंग। ओके, और ये क्वेश्चन फॉर्मेशन में है कि नहीं, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर, और ये दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है, न्यूमिरेटर भी फंक्शन ऑफ एक्स है, बाय ये अपना डिनोमिनेटर भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो क्या करोगे, कैसे ऑपरेट होगा, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, हाउ दिस विल बी ऑपरेटेड, डिनोमिनेटर एज सच, ओके, न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ 7x रेज टू द पावर 5 माइनस न्यूमिरेटर एज सच 7x5 एंड डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वेयर। ओके, सॉल्विंग दिस यू कैन गेट द रिजल्ट। सॉल्विंग दिस वी गेट x प्लस 3 कॉरस्पॉन्डिंगली, दिस इज डिफरेंशिएशन 7x टू द पावर 5, 7 इज मल्टीपल कांस्टेंट, x रेज टू द पावर 5 n x 5x 5 माइनस 1, तो 7 इंटू 5 35 x रेज टू द पावर 4 माइनस 7x 5 एज सच, और x टू द पावर 3, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी गिविंग यू 1, और 3 इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 और डिनोमिनेटर का स्क्वेयर। Hope this is clear. Okay, this is very easy. Okay, but it's a new thing, so you may feel that this is a difficult concept. Bahut easy hai. If you will be practicing, you easily will be getting the things. Okay, thank you. Have a nice day.